तो उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया है। उन्होंने रोहतक में कहा कि हमें पौधरोपण के साथ साथ वृक्षों की सुरक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और इसके लिए हम सभी को जागरूक होना होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने परिवार अपने बच्चों की चिंता करते हैं, हम सभी को मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है, तभी जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को खत्म किया जा सकेगा। इस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के विकास के चलते प्रकृति के साथ संतुलन बिगड़ चुका है, विकास के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति के समय हरियाणा और पंजाब में फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया, इससे पैदावार तो बढ़ा ली गई लेकिन फसल की गुणवत्ता खत्म हो गई। ऐसे ही पानी ने प्रदूषण के कारण जल भी प्रदूषित हो चुका है, वायु प्रदूषण हर रोज बढ़ता जा रहा है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक की तरह वृद्ध वृक्ष जो बड़ी आयु के वृक्ष हैं, पैमाना रखा है कि 75 साल से ऊपर के जो वृक्ष हो गए हैं, खास करके वट वृक्ष है, पीपल है, पिलखण है, ऐसे बहुत बड़े बड़े वृक्ष यानी होते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए समाज आगे आए, चाहे वो परिवार आए, संस्था आए, हम उसको भी 2500 रुपये साल की पेंशन बांध दी हमने कि पेड़ अपना रजिस्टर करो, अगर कोई 75 साल से ज्यादा उसका निरीक्षण करने का पता लगता है तो उसको 2500 रुपया साल के उसके संरक्षण के लिए देंगे, ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तब भी देंगे, लेकिन वृक्षों की सुरक्षा ये बहुत जरूरी है। हर शहर के साथ यानी नगर वन, गांव में ग्राम वन, और उसका नाम पिछले दिनों में तो जब कोविड के कारण से पेड़ यानी लगाए थे वन, तो उसका नाम हमने रखा था ऑक्सी वन, ऑक्सीजन पैदा करेगा। एक करनाल के अंदर 65 एकड़ का ऑक्सीजन लगाया, पंचकुला में 100 एकड़ का ऑक्सीजन लगाया, कुछ पंचायती जमीनों के ऊपर भी इस प्रकार के वन ये लगाए हैं। आज तो इतना ही भाव है कि इसके प्रति जनता को जागरूक करना। आज ये कार्यक्रम जिसका अगर अंडरलाइन एक शब्द में कहा जाए तो जलवायु परिवर्तन के बारे में चिंता व्यक्त करना। अब ये जलवायु परिवर्तन वास्तव में वैसे तो प्राचीन काल से ही ये विषय बहुत ही चिंता का विषय रहा है। जब जब भी प्रकृति के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हुआ तो ये जलवायु परिवर्तन का विषय हमेशा आगे आया है। हमारे ऋषि मुनि इससे अवगत थे और उन्होंने हमेशा इसकी चिंता की है, वनों की चिंता की, पानी की चिंता की, पृथ्वी की चिंता की, और उस विषय को लेकर के यहां तक प्रावधान बनाए गए कि इनके इनके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा किया। पृथ्वी को माता कहा, वृक्षों को भी माता कहा, पीपल को हमने माता की तरह पूजा, तुलसी को हमने माता की तरह पूजा, नदियों को हमने माता कहा, गंगा माता, यमुना माता। इसका अर्थ यह है कि हमको ऐसी सब प्राकृतिक चीजों का संरक्षण करना, एनवायरमेंट के प्रति एक चेतना पैदा करने के लिए सब किया जाता है।